हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 9 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लारावेल 9 में गूगल रिकैप्चा वर्जन 2 को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो हमेशा की तरह यहां पे डेस्कटॉप पे मैंने एक नोटपैड फाइल क्रिएट की हुई है जिसमें मैंने सारे के सारे स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं ताकि हम इस रिकैप्चा वर्जन 2 को टाइम सेव करते हुए और इजिली इंप्लीमेंट कर सके। सो या गाइस लेट्स स्टार्ट। और यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूं गाइस कि इस केस में भी गूगल रिकैप्चा वर्जन 2 को मैं लारावेल के ऑथ के रजिस्टर पेज पे यूज कराऊंगा। सो उसके लिए मुझे एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट भी चाहिए होगा और ऑथेंटिकेशन भी चाहिए होगी ताकि मैं रजिस्टर पे उसको इंप्लीमेंट कर सकूं। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट कर रहे हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक इसका डेमो प्रोजेक्ट बनाए, टेस्ट प्रोजेक्ट बनाए, उस पर इंप्लीमेंट करें, उसके बाद अपने लेट्स से वर्किंग प्रोजेक्ट में इसको इंप्लीमेंट करें या इंक्लूड करें। ओके यहां पे मजीद मैं एक बात बताता चलूं गाइस कि यहां पे मैंने स्टेप 2 तक ऑलरेडी प्रोसीजर फॉलो कर लिया है ताकि मैं इस वीडियो का टाइम सेव कर सकूं। ओके लेकिन मैं यहां पे जो लोग मुझे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं एक दफा बताता चलूंगा कि आप लोगों ने करना क्या। सो या गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, आपको एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल है तो आपने सिंपली इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है गिट बैश पे आके। मैं यहां पे बताता चलूं कि मैंने जैसे कि बताया कि मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो ये देख सकते हैं वीट का सर्वर भी रन हुआ है। ओके सो आपने इस कमांड को एग्जीक्यूट होने और इसके एग्जीक्यूट कंप्लीट होने एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने का वेट करना है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेट्स से अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली इस कमांड को यूज करेंगे और वंस अगेन एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने का वेट करेंगे। लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2। जैसे ही इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है आपने कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल यूआई की कमांड को रन करना पड़ेगा ताकि हम लोग के पास ऑथेंटिकेशन आ जाए। ठीक है, जैसे ही ये कमांड कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद आप लोगों ने रन करना होगा पीएचपी आर्टिशन यूआई व्यू -ऑथ जो कि हमें ऑथ से रिलेटेड स्कैफोल्डिंग बना के देगी। ओके सो जब इसकी भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो सिंपली आप लोग npm इंस्टॉल nnpm रन डेव की कमांड को रन करेंगे जिसपे हम लोग अपना वीट सर्वर चला रहे होंगे। ओके सो स्टेप 3 से हम लोग साथ ही फॉलो कर रहे होंगे। सो स्टेप 3 हमें कह रहा है कि हमें डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, माइग्रेशन को रन करना है। सो मैं यहां पे आपको एक्सेस करके दिखा देता हूं अपना प्रोजेक्ट सबलाइम में। राइट हियर ENV में जाते हैं तो डेटाबेस का जो नाम होगा वो होगा रिकैप्चा वर्जन 2 जो कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम भी है। ठीक है, और माइग्रेशन को रन करने के लिए गाइज मुझे गिट बैश का एक और इंस्टेंस चाहिए होगा। रीजन बीइंग क्योंकि दूसरे गिट बैश के इंस्टेंस पे हमारे पास वीट का सर्वर रन हो रहा है। सो यहां पे मैं अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेता हूं cdc xam htdocs एंड रिकैप्चा वर्जन 2 v2। ओके सो यहां पे मैं सिंपली करता हूं php artition migrate क्योंकि मैंने ऑलरेडी डेटाबेस नहीं बनाया हुआ तो यहां पे ये मुझसे पूछेगा क्या आप रिकैप्चा वर्जन v2 के नाम से डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं यस। ओके और यहां पे हमारी माइग्रेशन कंप्लीट हो गई। लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 4 जो कि हमें कह रहा है कि हमें रिकैप्चा वर्जन 2 के लिए एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है BiscoLab। ठीक है, वहीं से ये सारी डॉक्यूमेंटेशन मैंने बनाई है। सो कॉपी और लेट्स मूव टू गिट बैश और यहां पे मैं इसको सिंपली आके पेस्ट कर देता हूं। सो इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मीनवाइल हम लोग आगे के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 5 जो कि मुझे कह रहा है कि मुझे अपनी ENV फाइल में रिकैप्चा वर्जन 2 की साइट की और सीक्रेट की बतानी होगी, लेकिन उसके लिए गाइज मुझे साइट की और सीक्रेट की चाहिए होगी, तो वो मैं कैसे गेट करूंगा उसके लिए मुझे मूव करना पड़ेगा स्टेप नंबर 6 पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास गूगल का अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और लेट्स से अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप सिंपली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो आप जाएंगे गूगल का अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद इस लिंक को सिंपली एक्सेस करेंगे। आपको कुछ भी यहां पे वीडियो पॉज करके लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये नोटपैड की फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक के साथ। ठीक है, सो या गाइस लेट्स मूव और यहां पे गूगल पे आता हूं मैं और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं जस्ट लाइक दैट। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहां पर आते हैं तो यहां पे आप सिंपली अपनी एक साइट बना सकते हैं। सो इन दिस केस मैं आप लोग के लिए सिर्फ यहां पे इनपुट दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास साइट ऑलरेडी मौजूद है। ओके सो यहां पे मैं लेबल दे रहा हूं टेस्ट, आप कुछ भी दे सकते हैं आपकी मर्जी है। इन दिस केस हम लोग यूज करेंगे रिकैप्चा वर्जन 2, सो मैं इसको टिक कर देता हूं। उसके बाद यहां से मैं यूज करूंगा आई एम नॉट अ रोबोट चेकबॉक्स। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। डोमेन बताना है यहां पे, इन दिस केस हम लोग बता रहे क्योंकि हम लोग लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैं सिंपली बताऊंगा 127.0.0.1। ओके यहां पे आप लोगों ने HTTP या HTTPS नहीं बताना होगा, साथ ही आप यहां पे ना लोकल होस्ट बता सकते हैं लाइक आई मीन टू से दिस वन लोकल होस्ट ये भी नहीं बता सकते, और HTTP और HTTPS भी आप नहीं लगा रहे होंगे। ठीक है, सो लेट्स से अगर आपकी वेबसाइट का नेम है लेट्स से
वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है .com, जस्ट लाइक दैट आप इस तरह डिफाइन करेंगे अगर आप लाइव एनवायरमेंट में काम करें। यहाँ पे अपनी ओनरशिप को वेरीफाई करें, ईमेल आप चेक करेंगे बेसिकली यहाँ पे कि ये ईमेल करेक्ट है आपकी ओनरशिप के लिए, तो ये इन माय केस यस। यहां से एक्सेप्ट करेंगे एग्रीमेंट को और उसके बाद कर देंगे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे आपके पास एक न्यू पेज आएगा जहां पे आपकी साइट की सीक्रेट साइट की और सीक्रेट की होगी। आई नो इट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे वो दोनों कीज आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। सो इन माय केस मेरे पास ऑलरेडी साइट है तो मैं यहां से बैक जाता हूं, ठीक है, वर्जन 3 क्योंकि ये लेटेस्ट है वर्जन 3 एडमिन कंसोल, तो यहां पे जाऊंगा। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास दो साइट्स बनी हुई है, ये देखिए। सो वर्जन 3 को हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, सो इन दिस केस हम लोग देख रहे हैं वर्जन 2 चेकबॉक्स, सो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है, ताकि इसको एक्सेस कर लूं। यहां पे आप थोड़ा सा डाटा देख रहे होंगे जो टेस्टिंग से रिलेटेड है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहां पे अगर आप आ जाते हैं और आप कहते हैं कि यहां पे अगर मैं आके अगर अपनी साइट की और सीक्रेट की को एक्सेस करना चाहूंगा तो कैसे कर सकता हूं, सो सिंपली आपने जाना है सेटिंग्स में और यहां इस ड्रॉप डाउन के अंदर आपकी साइट की और सीक्रेट है। यहां से अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये सिंपली लेबल है, ठीक है, ये मेरा डोमेन है, इन दिस केस लोकल होस्ट, ठीक है, 127.0.0.1। अगर मैंने एक एक्स्ट्रा बोल दिया तो या गाइस आप लोग एटलीस्ट देख सकते हैं 127.0.0.1, ओके। सो यहां पे ईमेल करेक्ट है और यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन, या सो यहां से जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यहां पे मेरे पास साइट की और सीक्रेट की अवेलेबल हो जाएगी जो कि मुझे इंप्लीमेंट करनी है यहां पे और जो कि हमारा था स्टेप नंबर 5। सो यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पे इसको पेस्ट कर देते हैं सबसे बॉटम में और यहां से मैं इसको रिमूव कर देता हूं जो कि मैंने कमेंट डाले थे ताकि आप लोग के लिए आसानी हो, ओके, इसको सेव कर लेते हैं, ओके। सो गाइस यहां से मैं अपनी साइट की और सीक्रेट की उठा रहूंगा और मैं नहीं चाहता कि मुझे वीडियो को एडिट करना पड़े था क्योंकि वीडियो एडिट करने में और भी टाइम जाता है, सो इसलिए मैं कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करूंगा, यहां से साइट की उठाऊंगा और उसको इंप्लीमेंट करूंगा यहां पे साइट की और सीक्रेट की और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करता हूं। ओके गाइस, सो यहां पे मैंने अपनी साइट की और सीक्रेट की को इन ENV फाइल में इंप्लीमेंट कर दिया है, तभी मैंने उस फाइल को क्लोज कर दिया है वंस अगेन ताकि मुझे इसको एडिट ना करना पड़े। सो यहां पे हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड और अब मूव करते हैं स्टेप नंबर 6 पे जो कि हमें कह रहा है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन को पब्लिश करना पड़ेगा ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि हम लोग वर्जन 2 यूज करें, ठीक है। सो मैं सिंपली इस कमांड को यूज करता हूं, गिट बैश पे मूव करता हूं और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं जस्ट लाइक दैट, ओके। और जैसे ये कमांड एक्सिक्यूट हो जाती है यहां पे आपको डन का मैसेज दिखा देगा, लेट्स मूव टू सबलाइन कॉन्फिग, वेरीफाई कर लेते हैं उस पॉइंट को, रीकैप्चा, ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि हम लोग वर्जन 2 ही यूज करें, ठीक है। सो यहां पे एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन है अगर आप यहां पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, लेट्स से अगर आप एरर मैसेज दिखाना चाहते हैं तो उसकी वैलिडेशन आप यहां पे बता सकते हैं, लेकिन इन माय केस मैं यहां पे बाय डिफॉल्ट जा रहूंगा और लेट्स से अगर मुझे यहां पे कुछ चेंजेस करने भी होते तो मैं सिंपली रजिस्टर के कंट्रोलर में कर सकता था, यहां पे नहीं करता, ठीक है, तो इन माय केस, लेकिन इस केस में मुझे जरूरत नहीं है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और स्टेप नंबर 8 जो कि हमें कह रहा है कि हमें इनिट रीकैप्चा वर्जन 2 की जावास्क्रिप्ट को हेडर या फुटर में इंक्लूड करना होगा, तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, लेट्स मूव टू सबलाइन, लेट्स मूव टू रिसोर्सेज, व्यूज, लेआउट, ऐप और यहां पे जस्ट लाइक दैट मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, ओके। लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 9 जो कि हमें कह रहा है कि हमें अपने रजिस्टर के फॉर्म में इस डिव को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इस डिव में है क्या, बेसिकली हमारी HTML फॉर्म की स्निपेट है, बेसिकली वो जो आप चेकबॉक्स देखते हैं आई एम नॉट अ रोबोट, वो यहां पे इंप्लीमेंट हो रहा होगा और इसी के साथ एडिशनल कॉन्फिगरेशन भी आ रही होगी, मैं आप लोग को दिखा दूंगा। सो इसके लिए मैं मूव करता हूं ऑथ और रजिस्टर ब्लेड और यहां पे पासवर्ड कंफर्मेशन के नीचे बिल्कुल मैं यहां पे इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं जस्ट लाइक दैट, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टेप नंबर 10 जो कि हमें कह रहा है कि हमें वैलिडेशन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, जो कि मैंने भी आपको कॉन्फिग में दिखाया था कि ऐसे हम लोग लेट्स से वैलिडेशन को ऐसे हैंडल करेंगे। सो उसके लिए अब मैं मूव करता हूं रजिस्टर कंट्रोलर पे, ओके, राइट हियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड और यहां पे सिंपली मैं बता देता हूं जस्ट लाइक दैट, ठीक है। सो यहां पे हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है, स्टेप नंबर 11, इट्स टाइम टू टेस्ट और उसके लिए मुझे अपने प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा, सो लेट्स डू दैट। और उससे भी पहले गाइस समटाइम्स क्या होता है कि कैशे क्लियर नहीं हो रहा होता तो आपने सिंपली इन कमांड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स आप देख रहे होंगे कि उस पे जो लोडिंग है वो चलती रहेगी। सो इसी वजह, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन में भी कुछ चेंजेस किए हैं, इसी वजह से बेहतर यही है कि हम लोग अपना कैशे क्लियर कर लें, ठीक है। सो यहां पे मुझे ऑप्टिमाइज, ओके, आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, या सो यहां पे मैं इसको सही कर लेता हूं, ऑप्टिमाइज,
ठीक है। बेहतर यही है कि गाइस, क्योंकि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर रहे थे, आप हो सकते हैं आप ये इशू फेस कर रहे हैं, सो इसीलिए मैं बताता चलूं। यहाँ पे तीन तरीके मैंने बताए हुए हैं, एक तो ऑप्टिमाइज, इसको सही कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। कैशे क्लियर करने के लिए तीन कमांड है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, PHP आर्टिशन कॉन्फिग कैशे, और उसके बाद सेकंड कमांड ये यूज कर सकते हैं कैशे क्लियर, वरना हार्ड रीलोड भी कर सकते हैं टैब को, ठीक है। सो इन हर केस लेट्स रन अवर प्रोजेक्ट PHP आर्टिशन सर्व -- पोर्ट 8080, ठीक है। और गूगल पे जाते हैं और यहां पे अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेते हैं। ओके, लेट्स मूव टू रजिस्टर पेज। ओके गाइस, सो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए गाइस मैं एक और काम करूंगा, मैं यहाँ पे पासवर्ड की जो वैलिडेशन है उसको मिनिमम 3 कर देता हूँ, ताकि मुझे बार बार जो फॉर्म फिल करना पड़े तो आसानी हो। सो 1 2 3 1 2 3, आई एम नॉट अ रोबोट। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, ये कंटिन्यूस लोडिंग चल रही है। ये कैशे का इशू होता है, सो अगर आप इस पेज को हार्ड रीलोड करेंगे तो हो सकता है ये इशू रिजॉल्व हो जाए। इसीलिए मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ, लेट्स ट्राई ऑन अनदर ब्राउजर, ठीक है। यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर लेता हूँ। सो 127.0.0.1 8080 पोर्ट होगी जो मेरी है, ठीक है। लेट्स मूव टू रजिस्टर। ओके, सो या नाउ लेट्स ट्राई इट अगेन। ओके, और यहां पे लेट्स से टेस्ट 1 2 3 1 2 3, लेट्स ट्राई टेस्ट इट आउट। सो ये देख सकते हैं, अब ये सक्सेसफुली काम कर गया। ओके, सो आप अभी लोकल एनवायरनमेंट में हैं और आप रोबोट नहीं है। मैंने इसको टेस्ट किया है, लेट्स से अगर आप इसको लेट्स से फेक किसी तरह कर सकते हैं तो आप इसको ट्राई दें। मैंने इसको काफी दफा एग्जीक्यूट किया था और एक दफा मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया था जहां पे मुझे इमेजेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी थी, ठीक है। तो जस्ट आप लोग के लिए या हिंट। ओके, सो यस गाइस, नाउ आई एम रीडायरेक्टेड। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये फॉर्म की सबमिशन पे कुछ चीजें दिखाता चलूं जो कि मैंने हाईलाइट करी थी, जो कि मैं यहां पे दिखा सकता हूं। इससे ये मैंने वेरीफाई कर दिया आपको गाइस कि कैशे का इशू होता है। तो यहां पे भी लेट्स से अगर आपने करना है ना, सो मैं यहां पे भी दिखा देता हूं एक दफा। आई नो वीडियो का टाइम बढ़ता है गाइस, लेकिन मैं क्या करूं, आप लोगों को ये चीजें दिखाना जरूरी है। सो कंट्रोल, मैं हार्ड रीलोड कर रहा हूं, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स ट्राई इट आउट। ओके, और इस दफा मैं ईमेल बदल लेता हूं, लेट्स से 1 आई एम नॉट अ रोबोट। और ये देखिए, अब ये सक्सेसफुली रन हो गया। ओके, पॉइंट ये था कि मैं आप लोग को यहां पे दिखाता चलूं कि यहां पे हमारे पास क्या क्या आया। तो काफी सारी डिटेल है, वो जो मैंने स्निपेट इंप्लीमेंट किया था, जो कि मैंने बताया था उसके थ्रू। सो ये जस्ट आप लोग के लिए है, ठीक है। यहां पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें ये देखिए, ठीक है। और इसी के साथ ये देखिए कि ये हिट कहां कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो या गाइस, आप इसको मजीद टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई नो मैंने इसको काफी दफा टेस्ट किया, लेकिन उसमें एक ही दफा, क्योंकि मैं रोबोट नहीं हूं गाइस, तो मैं एक ही दफा किसी उस पॉइंट पे पहुंचा था जहां पे मुझे वेरिफिकेशन में इशू आ रहा था। इशू से मेरा मतलब ये है कि जहां पे मुझे इमेजेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी थी, ठीक है। सो दैट्स इट। और इसके अलावा अगर आप मजीद इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं, सो आप सिंपली इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, बिस्को लैब। और ये पैकेज हम लोग यूज कर रहे हैं, यहीं से मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, यहां पे काफी सारी डिटेल मौजूद है। अगर यहां से भी नहीं तो आप सिंपली इस डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपको यहां पे रीकैप्चा पे जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहां पे साइट पे लिंक्स गिवन है जहां पे और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो या गाइस, दैट्स इट फ्रॉम दिस स्पेसिफिक वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, टेक केयर।